हेलो जी, हेलो। बोलिए जी, हाँ रविरंजन बताइए जी। सर। हाँ नमस्ते सर। सर आपका आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर बोलिए। जैसे आपका वीडियो देखते हैं, अभी अभी अपलोड कर रहे हैं आप, तो बहुत उससे मोटिवेशन मिलता है सर। सर एक चीज पूछना था आपसे सर, कि जैसे डिप्रेशन के दौरान होता है कभी कभी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है सर, तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कंसिस्टेंसी के लिए डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, रोज आपको मन थोड़ी ना करेगा पढ़ने का, जी। आपका एक अनुशासन ही है। मन करे या ना करे, अनुशासन बना के रखिएगा तो वही कंसिस्टेंट आपको बना सकता है। मन नहीं करे फिर भी पढ़िए, धीरे धीरे फिर आदत हो जाता है। और ज़्यादा अगर मान लेते हैं कि मन नहीं लग रहा है तो घूम लीजिए थोड़ा सा, 2 4 दिन, और उसके बाद ओ नहीं सर, फिर। जैसे जैसे होता है ना कि सर महीना में 30 दिन है, तो उस दिन में उसमें 4-5 दिन भटक जाते हैं, बाकी का 20-25 दिन ठीक रहता है। कोई दिक्कत मतलब नहीं, 3 4 दिन भटक रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रोज भटक रहे हैं तब दिक्कत वाली बात है। नहीं, रोज नहीं भटक रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि मॉर्निंग में अगर मेरा पढ़ाई नहीं हुआ 10-11 बजे तक, तो उस दिन मेरा फिर पूरा दिन बीत जाता है, हम नहीं पढ़ पाते। मतलब ठीक। सुबह अगर नहीं पढ़, ऐसा होता रहता। देखिए, मशीन और आदमी में ही तो अंतर है कि मशीन अपना लगातार काम करते रहता है, लेकिन आदमी में इमोशन भी होता है, मूड भी चेंज होते रहता है। तो देखिए, कभी कदाल अगर ऐसे हो रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन और हमेशा अगर जैसे होता है तब दिक्कत वाली बात है। नहीं, हमेशा नहीं होता। जैसे सुबह मॉर्निंग में न्यूज़ देख लिए यूपी का चुनाव का, तो फिर उसमें जी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, तो वहाँ पे मेरा 2-3 घंटा निकल गया। उसके बाद फिर मतलब इधर उधर हो गया, फिर मतलब हमको लगा 3 बजे तक, हम एक 3 बजे तक हम आधा घंटा भी नहीं पढ़े थे, उसके बाद हम 1-1.5 घंटा पढ़े। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट मतलब थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। तो सर ये मतलब डिसिप्लिन, सर डिसिप्लिन तो वो तो समझ रहे हैं, लेकिन मतलब सर आप अपने प्रिपरेशन के दौरान आप मतलब आप कैसे कंसिस्टेंसी बना पाते थे सर? देखिए, हम तो बता रहे हैं कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे सब सोशल मीडिया वगैरह यूज करवे नहीं करते थे। साथ ही क्या है कि हम मोबाइल वगैरह नॉर्मल रखते थे, तो पहले ऐसे भी थोड़ा सा कम मतलब डेविएशन था आज की अपेक्षा। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, चाहे इंटरटेनमेंट का साधन वगैरह है, पहले इतना था नहीं, तो उतना होता भी नहीं था। मन नहीं लगा था, कभी सिनेमा देखने का बहुत शौकीन थे तो सिनेमा उनेमा देख लेते थे। जब मन नहीं किया, सप्ताह में एक दिन लग रहा है कि मन नहीं कर रहा, जाके सिनेमा हॉल में देख लिए या कहीं से व्यवस्था करके मोबाइल वगैरह या लैपटॉप वगैरह में देख लिए, बस यही होता था। और थोड़ा सा नहीं होता है कि हाँ जी बोलिए। सर, तो मतलब एंड्रॉयड मोबाइल को सर मतलब सिंपल मोबाइल एक रख ले, एंड्रॉयड नहीं मतलब नहीं देखिए देखिए, अगर जैसे कहने का मतलब नहीं कि मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल तो आजकल जरूरी भी तो है। परमाणु बम का नाम जानते हैं, जानते हैं ना? जी सर, जी तो जी देखिए, सर, उससे एनर्जी भी क्रिएट किया जा सकता है, उससे दुनिया को बर्बाद भी किया जा सकता है। तो जी जी ऐसे ही समझिए कि सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह है, इससे आपका लाइफ बेहतर भी हो सकता है, इसको लाइफ बर्बाद करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि यूज करने वाला कौन है। तो हमको देखिए प्रयास, देखिए बिल्कुल कट डाउन कर जाना भी आज के समय में संभव नहीं हो पाता है, तो बस प्रयास ही करना है कम से कम एक टाइम अलॉट कर दे, बस उसमें थोड़ा सा देख लो। मान लीजिए फेसबुक वगैरह यूज करते हैं या यूट्यूब वगैरह देखते हैं, देखिए तो थोड़ा सा अपना टाइम अलॉट कर दीजिए कि इस समय हमको देखना है। हमेशा जो है यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई असली बुके से होता है। यूट्यूब वगैरह पर तो वो लोग मैक्सिमम समय बर्बाद करता है जो करा मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, 1000 गो टीचर के फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं तो सर यूट्यूब से हम कभी नहीं पढ़ते हैं। यूट्यूब से जैसे एक द हिंदू का एडिटोरियल लेना था, वीर तल्यान करके होता है, बस उनका हम सुन लेते हैं। मतलब अपना मतलब वो उससे होता है कि अपना लगा के छोड़ देते हैं, अपना सुन लेते हैं एनालिसिस क्या हुआ दिन भर का। उसके अलावा हम यूट्यूब से हम किसी टीचर को फॉलो नहीं करते, बस आपका एक वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना सर, जैसे बहुत सारा टीचर बोलता है तो हवा में बोलते हैं, मतलब होता है ना कि जमीन पे रख के मतलब बच्चा को मतलब बिना अंडरस्टैंड किए हुए कुछ भी बोल देना। आप जो बोलते हैं वो लगता है कि हाँ हमारे लाइफ से रिलेटेड है, हमको बेनिफिट कर रहा है। मतलब एक होता है ना टीचर बोल दिया ऐसे करो ये करो, मतलब आया मतलब उसका मतलब एक नहीं समझ रहा है कि बच्चा का लेवल क्या है, मतलब ऐसे कुछ बोल दिया, लेकिन आप जो बताते हैं वो जेन्युइन लेवल पे बताते हैं। तो हमको आपका वीडियो देखें, एक बार दो बार देखें, अच्छा लगा। फिर वीडियोज भी आपका एक वीडियोज आप बनाए थे 52 मिनट का, पूरा हम देखें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मटेरियल्स को कितना शॉर्ट करना, तो ये सब वो सब मतलब लगा कि नहीं आप सही मतलब देखिए यूट्यूब में सर, यूट्यूब भी ब्रह्मांड ही है ना, उसमें भी अच्छे बिल्कुल टीचर बहुत बिल्कुल। कम है, उसमें से चॉइस करना भी बहुत मतलब है, लेकिन मतलब ऐसा थोड़ी ना कि सब अच्छे हैं, बहुत सारा है कि जो टाइम भी किल करते हैं, मतलब अलग टाइप के भी बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए वही आपको थोड़ा सेलेक्ट करना होगा। देखिए लगता है कि जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है उनको फॉलो कभी कदाल कर सकते हैं। अंधभक्त किसी का भी नहीं बनेगा, ना मेरा ना किसी का नहीं बनेगा। बस ध्यान रखना है कि हमको जहाँ से बेनिफिट हो रहा है, जिस भी चैनल से ना, जिस भी टीचर से ना, बस उसको ले लेना है। अभी नहीं कि पीछे भागते रहना है, किसी के पीछे भागते रहिएगा तो नहीं फिर सर, दिक्कत भक्त है। नहीं बन सकते, लेकिन जैसे हमको जहाँ जैसे कुछ मान लीजिए कोई चैनल भी है तो भक्त क्या मतलब, हमको अगर कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो लेंगे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल सर अगर हम आपसे बात करें तो मेरा टारगेट ये है कि आप अनुभवी हैं, जाम क्रैक किए हो, तो आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सर बताएं डिसिप्लिन। तो सर एक चीज बताइए सर, सप्ताह में मतलब 7 दिन में 6 दिन मतलब पूरा डिसिप्लिन के साथ पर, 1 दिन मतलब रिवीजन और 1 दिन मतलब फ्री टाइम से रखना उचित रहेगा कि बिल्कुल सातों दिन एक ही लेवल पे? नहीं, देखिए कभी कदाल अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए, उसे रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है ना, उस तरह से आपका समझिए कि माइंड रिचार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा घूम फिर लीजिएगा। तो और बाकी देखिए सब लोग का अपना अपना पढ़ने का तरीका है, लेकिन देखिए अपने आप को कंसिस्टेंट जहाँ तक आप बोल रहे हैं, इसका एक ही उपाय है कि बस डिसिप्लिन रखिए। माइकल पेपल्स का नाम सुने होंगे, किसका सर? माइकल पेपल्स माइकल पेपर, सुना नाम है लेकिन उतना हमको जानकारी नहीं है बता रहे हैं, सर। इसके बारे में बता रहे हैं, कंसिस्टेंट के बारे में बता रहे हैं। तो आपका तैराक है, अमेरिका का है, बहुत सारा मेडल जीते हैं ओलंपिक में, 17-18 गोल्ड मेडल शायद जीते हुए हैं। बता रहे थे कि कंसिस्टेंट कैसे रहे, मतलब आपको रोज मोटिवेट रहते हैं मतलब तैरने के लिए या अपना काम करने के लिए। तो बता रहे, देखिए रोज कोई आदमी मोटिवेट नहीं रह सकता है, लेकिन उसको पता है कि हमें क्यों करना है, और जब क्यों करना है तो उसके चलते अपने लाइफ में अनुशासन लेकर के आएगा। तो वही आपको जब ये पता है कि मुझे क्यों करना है, आपको अपना स्थिति सुधारना है, अपना मम्मी पापा की स्थिति सुधारना है, समाज में कुछ अपना पहचान बनाना है, जब ये क्यों आपको मिल रहा है तो वो आपको लाइफ में अनुशासन लेकर के आएगा। अब बिना देखे अनुशासन के कंसिस्टेंसी बनी नहीं सकता है। अच्छा अच्छा बच्चा क्या होता है कि मतलब अपने लाइफ में अनुशासन नहीं लेकर के आता है, बर्बाद हो जाता जी, है। तो बस यही है, और कभी वैसे कभी इंजॉय आपका कर लीजिए। जी बताइए बताइए। सर आप जितना अच्छा से बताते हैं, हमको नहीं लग रहा है कि मेरे होल लाइफ में इतना अच्छा से कोई टीचर या कोई इतना अच्छा मतलब बात मतलब कोई बताता है, लेकिन होता है नहीं, ना देखिए जो है रियलिटी, जैसे बिल्कुल बिल्कुल कहने का मतलब आप जो बहुत। बता रहे हैं ना सर, वो मतलब लग रहा है कि इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे, चाहे मतलब होता है ना मतलब आप टीचर की तरह नहीं, मतलब एक रियल गाइडलाइन की तरह बताया सर। नहीं एक चीज बिल्कुल हमको अच्छा लगा कि आप बोले कि परमाणु बम है, इसका सही उपयोग किया जाए तो ये मतलब चीज तो है सर, मतलब मोबाइल यूज करेंगे लेकिन पढ़ाई के लिए यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी चाहे तो देखिए पढ़ते वक्त तक एक चीज कर सकते हैं कि मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, दूर रखिए मोबाइल को पढ़ाई करते समय, तो जी, ये सब थोड़ा सा कर सकते हैं। और बाकी देखिए बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बस उनको आपको ढूंढने की जरूरत है। जी सर। सर एक सवाल आपसे पूछना है सर, मतलब आपसे रिलेटेड ही सवाल है जी सर। बताइए। जैसे आप मतलब आपका हम तो वीडियोस देखे हैं लगभग बहुत, जी तो सर एक चीज देखे हैं कि आप ग्रुप डी लेवल से लेके सीडीएस लेवल तक, प्लस में आप ए बिहार SI, मतलब इतने सारे जॉब क्लियर किए हुए, तो जी सर और भी जो लोग जॉब करते हैं मतलब एक बार क्लियर होता है फिर बहुत सारा क्लियर करता है, तो क्या ऐसा की पॉइंट्स होता है कि जिसका एक बार क्रैक हो जाता है वो लगातार क्रैक करते चले जाते हैं, तो वो मतलब क्या मतलब मेन सीक्रेट क्या है? मतलब हम ये नहीं करें कि कोई सीक्रेट बता दिए, जैसे बुक्स तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो वो जी क्या मतलब पैटर्न फॉलो करते हैं मतलब बाकी की तुलना में जो असफल है और सफल में, मतलब क्या अंतर है मेन देखिए पढ़ने का सर? पहला तो क्या है कि देखिए एक प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का लेवल एक हो जाता है, और दूसरा बात है कि मतलब अपने लाइफ से ज्यादा आशा नहीं रखते। जब हम तैयारी की थी नहीं सोचे थे कि हम कोचिंग एग्जाम ही निकालना है, वो निकालना है, बस फ्लो में निकलते गए, होते गया, निकलते गए, होते गया, बस था कि हमको बस तैयारी करना है, रिजल्ट पर कम फोकस और बस तैयारी करते रहिए। अब प्लस फिर क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट होने लगता है ना, तो एक अलग तरह का अपने ऊपर विश्वास पैदा हो जाता है, और विश्वास फिर क्या करता है कि आपको सब जगह रिजल्ट करवाता जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने सीनियर वगैरह को देखे हुए हैं कि वो सर वगैरह का बहुत अच्छा लेवल का तैयारी था, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं होता था, जबकि मतलब जिनका कम तैयारी, जैसे हमारे हुआ था, जिस समय CPO वगैरह में, तो सब हमारा कम तैयारी था सीनियर से, लेकिन हमारा हुआ था, उस सर का नहीं हुआ था। मतलब इसके लिए क्या है कि वो मतलब प्रेशराइज जो लोग ज्यादा थे, हम लोग प्रेशर में नहीं थे, नया नया बच्चा थे, एग्जाम देते जा रहे थे, रिजल्ट हो जा रहा था। और इसका समझिए कि एक होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, अगर आपको रिजल्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जाएगा, अगर गिर गया तो गिरते जाएगा फिर धीरे धीरे करके। तो यही सब रीजन था, और तो कुछ खास दिखाई देता नहीं है।
सर मतलब जैसे पढ़ने के दौरान आपका रिजल्ट आ रहा था, तो सर जैसे आप सोर्स फॉलो कर रहे थे, तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रिजल्ट होने के पहले आप कहाँ से क्या पढ़े थे, कितना पढ़ते थे, ये मतलब एक होता है ना कि जैसे एक बार रिजल्ट हो गया तो अगला को पता चल जाता है, कोई भी स्टूडेंट को चाहे आप भी होंगे तो सर इतना ही पढ़ना, इससे ही क्रैक हो जाएगा, ये फालतू का चीज फॉलो नहीं करना है, भटकना नहीं है। देखिए, हम तो बता रहे हैं कि हम बहुत ही कम बुक फॉलो किए थे। हम तो बता रहे हैं कि आप यकीन नहीं माने, हम जो सीपीओ क्वालिफाई किए थे, हम सीपीओ का एक दिन सेट नहीं बनाए थे। हम सीजीएल का सेट बनाते थे, सीपीओ का एक दिन सेट भी नहीं बनाए थे। तो हम बहुत ही अपने लाइफ में कम बुक पढ़े हैं। हाँ, टीचिंग लाइन में जब आए तो बहुत सारा बुक पढ़े हैं, लेकिन जब हम खुद तैयारी कर रहे थे तो बहुत कम से कम बुक फॉलो किए हैं। कम बुक फॉलो करने से फायदा क्या होता है कि रियल सोर्स पता चलेगा, उसको भी फॉलो करें। ज्यादा ज्ञान नहीं रहेगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ज्यादा ज्ञान भी होता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर देता है। तो ये भी एक चीज है कि बहुत कम हम सोर्स फॉलो करते थे। उससे सर जो भी होता होगा कंफर्स करता होगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम जब एग्जाम क्वालिफाई किए थे तो उस समय हम लोग के समय लुसेंट का जलवा रहता था, तो सब हल्ला हो गया कि सब लुसेंटवा पूरा ही रटे हुए। लेकिन हम रियलिटी बता रहे हैं, हम लुसेंट पढ़वे नहीं किए थे। तब वही थोड़ा तो बहुत भी नहीं सर। ना, थोड़ा बहुत तो पढ़े थे, थोड़ा बहुत तो पढ़वे नहीं करेंगे। जो जो क्वेश्चन जहां जहां से आता है वो तो पढ़वे नहीं करेंगे। बेसिकली क्या है कि सेट जब बनाते थे, हमको पता चलता था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और वो पोर्शन पर हम फोकस करते थे, और जहां से लगता था क्वेश्चन कम आता है, कभी कदल आता है, उसको छोड़ देते थे। तो ये प्रीवियस ट्रेंड मतलब एनालाइज करते होंगे ना। वही तो बता रहे हैं कि क्वेश्चन जब बनाते थे ना, तब पता चलता कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मान लीजिए हम इतिहास की बात करते, तो वहां पर देख रहे हैं क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में हमेशा पूछता है, तो उसको बढ़िया से कवर कर लेंगे। और कोई ऐसा टॉपिक जो कभी कदाल सेट में मिलता है तो उसको मतलब नहीं उतना कवर करने का प्रयास करते, सेट में मिल गया तो मिल गया, तो छोड़ देते थे। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के जानते हैं मतलब क्या पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, ये है क्या छोड़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम तो लोग सर ये कैसे पता चलेगा, मतलब तो जो सेट सेट में नहीं, मतलब आप कैसे पता चलता था कि क्या छोड़ना है। जैसे आप जब बनाइएगा सेट वगैरह ना, सेट तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको पता चले कौन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और जो टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वो समझिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और जो टॉपिक कभी कदाल आ रहा है ना, वो समझिए कम इम्पोर्टेंट है। तो टाइम उसको उसी स्किप। अनुसार अलॉट करेंगे, ज्यादा से जहां क्वेश्चन आ रहा है वहां पर ज्यादा टाइम अलॉट करेंगे, जहां कम क्वेश्चन आ रहा है वहां कम टाइम अलॉट करेंगे। तो सर जो नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, उसको स्किप भी कर सकते हैं, पहले जो आ रहा है उसको पहले प्रायोरिटी हाँ, देना है देखिए, ना। आपका प्रयास रहना चाहिए ना कि 80% 70% जो टॉपिक है ना, पहले उसको कवर कर लीजिए, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक होता है। और फिर धीरे धीरे समय मिले तो लगता है कि हम कर सकते हैं, किसी जगह लगता है कि समय नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए। अब देखिए, एग्जाम बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। हम लोग के समय साइंस में फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आता था, आजकल बायोलॉजी बोटनी से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। पहले करेंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता था, एक पेज में लिखे जाते थे, तीन चार को बन जाता था, तीन चार को पूछवे करता था। आजकल 20-25 क्वेश्चन आ रहा है। तो सर ये सोर्सेज को आप बोलते थे कि एग्जाम जैसे नजदीक आया वैसे कम कर देगा, तो वो सर सोर्सेज कम कैसे होगा, मतलब एक बुक पढ़ रहे हो तो जो याद हो गया सर उसको मतलब कलर करते जाएंगे, याद हो गया इसको छोड़ दे रहे हैं, जो नहीं याद है वो अलग कलर से करेंगे, इसको ही पढ़ना है। देखिए, ये तो पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। इसे बहुत बच्चा लोग होता है कि नोट्स वगैरह बनाते हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग बुक में ही टिक लगा दिए, पेंसिल से देख और पेन से लगा दिए। फिर क्या है कि बुक हमारा कॉपी बन जाता था। मतलब बेसिकली क्या है कि बुक में जहां जहां पढ़े, जहां जहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लगता था, तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वहीं पर लिख देते थे। तो ऐसे करते करते हमारा सब वही हो जाता था। अब उसी बुक को हमको बार बार पढ़ते जाना पढ़ते जाना, जब मतलब उसको समझिए कि जब एग्जाम है जब 2-3 बार पढ़ जाना है। तो ऐसे करते याद हो जाता था पूरा, और कहा। और फिर नहीं कोई सर, जैसे होता है ना कि बुक पढ़ने के दौरान कुछ टॉपिक याद है, कुछ पॉइंट्स उसमें याद नहीं है, तो अगर हम उसको कलर नहीं कर रहे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन याद है, मतलब याद नहीं याद दोनों मतलब मिक्स हो जाता है। तो हम तो ऐसे मतलब जो याद होता है उसको ब्लू कलर कर लेते हैं, जो याद नहीं है वो रेड कर लेते हैं, तो जैसे जैसे याद होता है उसको कलर करते जाते हैं, तो पता चलता है किस एरिया को नहीं पढ़ना, तो डिविजन में कम टाइम लगता है। अब देखिए, एक और चीज होता है क्या ना, कि जितना बार बुक पढ़िएगा ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको फिर से मिल ही जाएगा। जैसे जो बुक आप वो तो है पढ़िए, सर, जैसे लास्ट टाइम एग्जाम से 5 दिन पढ़ा है, बचा हुआ है, तो जो याद है उसको हम क्यों पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आपका स्ट्रेटजी के अनुसार हम समझे कि वो मतलब सोर्स कम होते जाएगा, मतलब जो आपको याद होता है वो उसको छोड़ते जाना है, और जो याद नहीं है उसको बार बार पढ़ना है, यही ना सर। और वही सर मेन टारगेट होता है ना कि वो कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन नहीं हो पाता है, जैसे आप बताए वाई क्लियर होना चाहिए।
तो वाई तो मतलब से क्लियर है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं वाई को भी सर, हो इसलिए जाता है। मतलब होता देखिए है। ये सब चीज होता है, आपका जो एज है, जो एनर्जी है, डेविएशन है, बहुत हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। लेकिन प्रयास वही करना है कि हमको कम से कम 4-5-6 घंटा, 4-5 घंटा तो 5 घंटा तो जरूर पढ़ लीजिए, कितना कुछ भी हो जाए 4-4 घंटा जरूर पढ़ लीजिए। 4 घंटा काफी है, रेगुलर पढ़ लेते हैं तो। सर मेरा इस बार 67 का एग्जाम है जी। बीपीएससी का, पिछला बार हम दिए थे तो मेरा आया था रिजल्ट। अच्छा। तो सर हम जैसे मेरा कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है, बाकी क्या पढ़ना है ये सब पता है, और मतलब होता है ना कभी कभी भटक जाते हैं। तो सर मतलब हम अपना स्ट्रेटजी यूज किए थे ना कि जो पिछला ट्रेंड है उसी ट्रेंड के अनुसार उस चैप्टर पे कमांड करके उसी अनुसार प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस में भी जैसे पेपर एनालिसिस करने में टाइम लगता है ना सर, तो हम जो 5 सालों का पेपर एनालाइज करके रखे हुए हैं तो क्वेश्चन देखते थे कि मेरा गलती हुआ तो उसी में तो कोई ना कोई टॉपिक से गलती हुआ था, तो फास्ट में एनालाइज हो जाता था क्योंकि चैप्टर तो लिखा हुआ है ना एक जगह, तो लिख लिए कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 1 योजना 1 से गलती हो गया है मॉडल से, चाहे ये मतलब एक होता है ना। तो ये करके हमको एक चीज पता चल गया, जैसे मेरा एक दोस्त था तो वो मतलब 3 बार से मतलब एक दो मतलब 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका है, तो मतलब वो है तो उससे हम पूछे स्टार्टिंग में उससे हम पूछे कि आखिर तुम्हारा बार बार क्या हो जाता है, तो बोला कि देखो जो अनुभवी है और जो अनुभवी नहीं है दोनों में अंतर ये होता है, जो अनुभवी स्टूडेंट है वो ट्रेंड के अनुसार प्रैक्टिस करता है और जो नहीं है अपना कुछ भी पढ़ रहे है उसको पता ही नहीं कि कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो उसी के अनुसार हम ट्रेंड फॉलो किए तो मेरा निकला उसके बाद हम दिए। अरे तो हम ऐसे ही लीक उक के चल रहे, हमको मेंस में कुछ स्ट्रेटजी नहीं था, हमको लगा कि प्रीलिम्स के बाद हो जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज है कि मतलब तो उसका हम फॉलो किए तो हमको लगा कि नहीं सही बात है कि वो ट्रेंड के अनुसार ही तो पूछता है, वहां से तो भटक नहीं सकता है। तो हाँ बस ये है सर कि कंसिस्टेंसी जो होता है ना वो मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जॉब मतलब समझिए कि प्रिपरेशन के दौरान ये जर्नी कब तक रहेगा ये मतलब एक होता है ना ज्वाइनिंग वाइनिंग होते हुए अभी अभी के डेट में बिहार का एग्जाम जो भी है तो उसमें तो बहुत डिले करता है ना, अभी तक देखिए मेंस का रिजल्ट नहीं आया। और सर और कुछ मतलब ये और कुछ बताना चाहेंगे सर आप अपने अनुभव नहीं से? बताना क्या चाहेंगे, बस देखिए पढ़ाई लिखाई के खाली तो स्ट्रेटजी है ये सब। देखिए अपना कोई खुद का बनाइए, समझ में। अब दूसरा कोई क्या बताएगा, दूसरे के पीछे भागेगा तो कोई फायदा है? अपना खुद का बनाइए, इनके हम कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे, बस उसको बनाइए और फिर मेहनत कीजिए। जहाँ कहीं दिक्कत हो तो थोड़ा सा कभी देख लीजिए इधर उधर। और अब बच्चा मैक्सिमम क्या होता है कि तरीके खाली खोजते रहते हैं कि तरीका कोई रामबाण, रामबाण नाम कोई चीज नहीं होता है दोस्त। किताब तो सर पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो टीचर थोड़ी ना कोई बता देगा। न तो कोई टीचर आपको सफलता दिला सकता है, आपको सफलता दिला सकता है आप और आपका बुक। जी 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 अगर सर टीचर ये होता सफलता, जी बोलिए, टीचर सर सफलता दिलाता तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है सब वही ना सक्सेस मिल करेंगे, जाता। सबका रिजल्ट हो रहा था, हम ही पढ़ाते हैं सबका रिजल्ट हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सर कि खुद से खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत मतलब प्रिपरेशन के दौरान मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। खुद को मोटिवेटेड रखने ज्यादा खुद को अनुशासित रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब रोज अपने आप को जी मोटिवेट नहीं रख पाइएगा, लेकिन रोज अपने आप को चाह के अनुशासित कर सकते हैं। जी सर और ये सर मतलब सब्जी समझिए कि सर वीकली 6 डिसिप्लिन रखना है, 17 दिन डिवीजन करके छोड़ देना, क्योंकि सर कंटिन्यू 300 दिन डिसिप्लिन रख पाना टफ है। देखिए आप जानते हैं डेविएशन इतना आता है ना, तब रात को जब सोने जाइएगा तो उसी समय आप बना लीजिएगा सवेरे में क्या क्या करना है, और उसको बस प्रयास करना है कि 70-80% पूरा कर ले। पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 70-80% पूरा करने का प्रयास कीजिएगा, रोज शाम को ही कीजिएगा। अब ना होगा तो डायरी मेंटेन कीजिए शाम को, फिर देखिए कि भाई कहाँ कहाँ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, और उसे करके फिर दूर करने का प्रयास कीजिए। 80% भी हो जाएगा तो सर काफी ही रहेगा ना। 70-80% हो जा रहा है अपना रूटीन का जो बना रहे हैं, काफी है। ओके सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए।